रायबरेली समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे ने ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के किसानों की समस्या बड़ी प्रमुखता से उठाई है। उन्होंने जिलाधिकारी को किसानों व नागरिकों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे ने दर्जनों गाँव के नाम बताए जहाँ नहरों में पानी न आने को लेकर किसान काफी परेशान है। वहीं बिजली के बिल को लेकर उन लोगों की परेशान होने की बात डीएम को अवगत कराई। देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन हमने दिया है, मुख्य कारण ये रहे कि आज ऊंचाहार विधानसभा में जहां वर्षा ना के बराबर हुई, जनपद में ही वर्षा ना के बराबर है, लेकिन खासकर ऊंचाहार में वर्षा नहीं हुई। ऊंचाहार विधानसभा के अन्नदाताओं किसानों को जो नहर में सिंचाई के लिए पानी मिलता है, उसका एकमात्र सबसे बड़ा साधन डलमो पंप कैनाल है। डलमो पंप कैनाल में इसके लिए 20 पंप लगाए गए हैं। आज स्थिति एक दो चार पंप से ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं और चला के केवल वीडियो भेजी जा रही है अधिकारियों को। दो घंटे तीन घंटे चलने के बाद पंप बंद कर दिए जा रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।